नमस्कार दोस्तों, कनाडा वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम क्या है? विजिटर वीज़ा, स्टडी वीज़ा, स्पाउस ओपन वर्क परमिट, नॉन एसटीएस कैटेगरी है, एसटीएस कैटेगरी है, सारी कैटेगरीज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाए। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप न्यू व्यूअर ऑन दिस यूट्यूब चैनल, आप सब्सक्राइब कर सकते हो दिस यूट्यूब चैनल। वहाँ पर आपको आप पिछली वीडियोज उठा के देख सकते हो, बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन डे बाई डे हम प्रोवाइड करते हैं। तो प्रोसेसिंग टाइम का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विजिटर वीज़ा। विजिटर वीज़ा में दो चीज़ें आती है, एक तो होता है टूरिस्ट वीज़ा, एक होता है इनविटेशन लेटर पे विजिटर वीज़ा। आपने किसी किसी बंदे को विजिट करना है, आपने कोई पार्टी अटेंड करनी है, आपने कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, या फिर आपका सिंपल टूरिस्ट वीज़ा है होटल बुकिंग पे, राइट? तो बात करते हैं टूरिस्ट वीज़ा की। सबसे पहले उसका प्रोसेसिंग टाइम मान के चलो कि प्रोसेसिंग टाइम बेसिकली स्टार्ट कब होता है? प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट होता है जब आपके बायोमेट्रिक डन हो जाते हैं। जिस दिन आपने बायोमेट्रिक अपने इनरोल हो गए, उस दिन से आपका प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट होता है। उस दिन के बाद आप 20 डेज लगा के चलिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। इनविटेशन लेटर का बात होती है, इनविटेशन लेटर का आफ्टर बायोमेट्रिक, ठीक है? आफ्टर बायोमेट्रिक ही मैं सभी एप्लीकेशन की बात करूंगा। इन्विटेशन लेटर पे आपके 25 से 30 दिन लग सकते हैं, क्योंकि इन्विटेशन लेटर पे बहुत चीज़ें और भी वेरीफाई करते हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे स्टडी परमिट की। स्टडी परमिट का एसटीएस कैटेगरी होगी, नॉन एसटीएस कैटेगरी होगी, ठीक है? एसटीएस कैटेगरी सबसे पहले बात करूंगा। एसटीएस कैटेगरी का अभी टाइम लग रहा है, काफ़ी फ्यू एप्लीकेंट्स का कहूंगा मैं जल्दी आ जाता है, बट काफ़ी एप्लीकेंट्स का काफ़ी टाइम के बाद रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। इवन एक दो तो एप्लीकेशन ऐसी हैं जिनका 1 महीने से ऊपर हो चुका है बट अभी तक कोई रिजल्ट नहीं। सो दिस इज वाई मैं कहूंगा कि उसका 1 महीने से ज़्यादा टाइम लग रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन एसटीएस। नॉन एसटीएस जो पीटी पे हो गया या फिर कोई भी और किसी वजह से हम नॉन एसटीएस में एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हो, तो उसका प्रोसेसिंग टाइम आप मान के चलो कि 10 दिन के अंडर अंडर आपका रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है। अब बात करते हैं स्पाउस ओपन वर्क परमिट। स्पाउस ओपन वर्क परमिट कई केसेस में ऐसा होता है कि वो अपफ्रंट मेडिकल नहीं अपलोड करते। अपफ्रंट मेडिकल क्या होता है? जो कि होता है स्पाउस ओपन वर्क परमिट में हमें मेडिकल अपफ्रंट लगाना पड़ता है, बट कई काफ़ी एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जिसमें आप वो मेडिकल अपलोड नहीं करते। सो दैट्स वाई जो एक केस है डिले हो जाता है थोड़ा बहुत। कितना डिले हो सकता है नॉर्मल एप्लीकेशन से? 10 दिन। सो आप मान के चलिए कि आज आपकी एप्लीकेशन लॉन्च हुई, उसके बाद बायोमेट्रिक वगैरह सारा डन हो गया, देन आपका मेडिकल जो रिक्वेस्ट आएगी, रिक्वेस्ट आने के बाद आप उस मेडिकल को अपलोड करते हो, वेबफॉर्म रेज करके भेज देते हो, देन आपका मेडिकल अपडेट हो जाता है। आप मान के चलो कि आपके 40 दिन लग सकते हैं अराउंड। बट अगर आपका अपफ्रंट मेडिकल है, आप मान के चलो कि आपका 20 से लेके 30 दिन के अंडर अंडर रिजल्ट आ जाएगा स्पाउस ओपन वर्क परमिट का। रिसेंटली जो वीजेस आए हैं उनके 30 दिन के अंडर अंडर जो रिजल्ट आए हैं, बट एक केस में था उनका मेडिकल अपफ्रंट नहीं था, मेडिकल रिक्वेस्ट आई थी उसके बाद में उसका 40 दिन के अराउंड उसका सारा प्रोसेस डन हो गया था। सो आई होप कि आपको इस वीडियो में काफ़ी हेल्पफुल मिली होगी या फिर नॉलेज मिली होगी। अगर आपका कोई भी कमेंट कोई भी अगर क्वेश्चन है आपका, कमेंट लिख दो। और एक बात और रखना है, जब भी आपने वीडियो देख ली तो आपने अपनी फाइल लॉस्ट डेट एंड कैटेगरी कमेंट में डाल दी है। उससे क्या होगा कि जो बाकी के व्यूअर है वो भी आपका कमेंट रीड करेंगे, वो अपनी जो लॉस्ट डेट है वो भी साथ में लिखेंगे। अगर किसी की सेम लॉस्ट डेट है तो आपको अपना कमेंट वहां पे मिल जाएगा सेम डेट का। आई होप कि ये ट्रेंड आपकी हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। नमस्कार।